नमस्कार। आज हम लोग भारतीय इतिहास से अस्तित्वहीन हो रहे 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य जी के बारे में बात करेंगे। हालांकि इनके जीवन परिचय से संबंधित बहुत ही सीमित जानकारियां उपलब्ध है, इसलिए इनके माता पिता और गुरुजनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका जन्म भारत के मैसूर में हुआ था, जब वहाँ अमोघवर्ष प्रथम नामक राष्ट्रकूट राजा का शासन था। इन्हें मुख्य रूप से गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें अलजेब्रा एवं ज्योमेट्री के बहुत से विषयों पर काफी काम किया गया है। गणित के महत्व पर महावीराचार्य लिखते हैं, बहुभी प्रलापय किम त्रैलोके सचराचरे यद किंचिद वस्तु तद सर्वम गणितेन बिना नहि। मतलब बहुत ज्यादा भटकने से क्या लाभ, इस चराचर जगत में जो भी वस्तु है वह गणित के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जैसे भारतीय गणितज्ञों ने केवल एस्ट्रोलॉजी पर आधारित मैथमेटिक्स पर ही ज्यादातर काम किया था, जबकि महावीर पहले ऐसे गणितज्ञ हुए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स से अलग करके प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक गणित सार संग्रह पूर्ण रूप से गणित को समर्पित पहली भारतीय पुस्तक है। महावीराचार्य ने ज्यादातर उन्हीं विषयों की व्याख्या की जिन पर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने विरोध किया था, ताकि उन सभी विवादित तथ्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। उनकी पुस्तक में अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने पर जोर दिया गया है, और काफ़ी ऐसे रिजल्ट हैं जिन्हें प्रूफ के अभाव में यूं ही छोड़ दिया गया है। उनके इस ग्रंथ को पावुलुरी मल्लन ने तेलुगु में सार संग्रह गणितम के नाम से अनुवाद किया। बड़ी संख्याओं के नामकरण का श्रेय महावीराचार्य को जाता है। दशम, शतम, सहस्त्रम, दश सहस्त्रम, लक्षम, दश लक्षम, कोटि, दश कोटि, शतकोटि, अर्बुदम, निर्बुदम, खर्वम, महाखर्वम, पद्मम, महापद्मम, शोणी, महाशोणी, शंखम, महाशंखम, क्षिति, महाक्षिति, शोभम, महाशोभम। उन्होंने ही बताया कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता। उनकी पुस्तक गणित सार संग्रह में 9 अध्याय तथा 1131 श्लोक है। 2008 में पब्लिश हेलेन सैलिन की बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में महावीराचार्य के 9 अध्यायों को कुछ इस तरह से अंकित किया गया है। टर्मिनोलॉजी, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, मिशेलेनियस ऑपरेशन, रूल ऑफ थ्री, मिक्स्ड ऑपरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, एक्सकेवेशन, सैडोज। उनकी पुस्तक के भाग जाति नामक एक सब चैप्टर के श्लोक नंबर 55 से 97 तक में किसी भी फ्रैक्शन को सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शन के रूप में लिखने के कई नियम दिए गए हैं। जैसे कि एक को सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस के रूप में लिखना हो तो यूनिट फ्रैक्शन के पहले टर्म को 1 रखते हुए डिनोमिनेटर को 3 गुना बढ़ाते जाएंगे, फिर फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 2 से और अंतिम टर्म के डिनोमिनेटर में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गणित सार संग्रह के द्वितीय अध्याय कला सवर्ण व्यवहार यानी द ऑपरेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में ax^n = q तथा a(x^n-1/(x-1)= p टाइप के इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया गया है। आदित्य और ब्रह्मगुप्त ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के गुणों को बताया था, जबकि महावीराचार्य ने बताया कि अगर इनके भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो इनके लेंथ ऑफ डायगोनल निकाले जा सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। बुक द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के राइटर जॉन टेबेक अपनी पुस्तक के अलजेब्रा सेक्शन के पेज नंबर 43 पर लिखते हैं, इट इज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज नाउ वाइडली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ही शोज फॉर एग्जांपल दैट द नंबर ऑफ वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट्स इज (n(n-1, n-2, n-r+1) डिवाइडेड बाय (r)(r-1, r-2, (2)1, वेयर वी हैव रिटन हिज रिजल्ट इन मॉडर्न नोटेशन एज NCR। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज वाइडली यूज्ड टुडे। उन्होंने a³ = a(a+b, a-b+b² (a-b+b³) जैसे बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आविष्कार किया। मैंने ये वीडियो अपने देश के विद्वानों के धूमिल हो रहे अस्तित्व को बचाने में एक तुच्छ योगदान देने के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसे और लोगों तक पहुंचाकर नई भारतीय पीढ़ी को पुरातन सूरमाओं से रूबरू करा सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।